सब तो माड़ी गल है जेड़े गुरु घर च हड़ताल करते ने जिथे गुरु घर च आके मालिक के सामने अपनी भुला बख्शानी चाहिए ने जे इथे यूनियन बना के हड़ताल कर लग जाओगे तो मैं लगता है फिर गुरु घर च गुरु घर के बहर तो फर्क ही छड़िया बहुत वड्डा अंतर होंगे। अज जो कुछ खंड पाठी सिंह वालों जो हरिमंदर साहब के अंदर अकाल तख्त साहब के सामने जो उन्होंने इस तरह की गल कार्रवाई की है ये बहुत ही निंदनयोग है और मैं समझता है बहुत घटिया कार्रवाई है। हरिमंदर साहब के अंदर यहोजी गल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जोड़ा भी उन्होंने कोई डिमांड है जो गल है वो प्रबंधक के नाल उन्होंने देना चाहिए है और जित तक उन्होंने डिमांड्स की गल हैगी मिल बैठ के मसला हल किया जा सकता सी लेकिन मैं समझदा भी अजिही कार्रवाई करके उन्होंने गुरु दरबार के आप ही मर्यादा की उलंघना की हैगी दफ्तर दे सारा अधिकार खेत्र की गल हैगी दफ्तर के सारा विचारे जाऊगा बाकी असी उन्होंने ये जी गल की हैगी इस गल के वास्ते बिल्कुल बहुत ही निंदनयोग और बहुत घटिया कार्रवाई है। नहीं ऐसी कोई गल नहीं हैगी जो उन्होंने कोई गल हैगी मिल बैठ के प्रधान साहब आते हैं सत्कारयोग प्रधान साहब सब मिलते हैं उन्होंने मिल के ही गल की जा सकती है। इन्होंने जे पहला भी एक दो बार इन्हों की विचार अधीन आई है असी विचार भी की है और इन्हों के पैसे बधाने बारे या होर गल करने बारे जारी सी सारा कुछ लेकिन अज उन्होंने जो अज के दिन के उत्ते सब कुछ जो किया मैं समझदा ये बहुत एक ठीक नहीं है और ये बहुत गलत कार्रवाई है। उन्हें वो प्रबंध है साडा सारा सारा कुछ जी मर्यादा वो बहाल रखी जाओ नहीं कोई बाहरों पाठी नहीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बहुत ही सारा वड्डा प्रबंध है साढ़े को बहुत सारे गुरुद्वारे है गुरुद्वारे साढ़े अंदर ही इन्ने साढ़े को सारा इंतजाम हैगा पाठ जोड़े निर्विघन उस तरह चलते रहेंगे।